डी स्टूडेंट्स मकैनिकल हज एंड मशीन सेफ गार्डिंग के अंदर जो अहम पॉइंट है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इकुपमेंट है जब तक आप नहीं करेंगे पहनेगे नहीं उस वक्त तक मकैनिकल और मशीन सेफ गार्डिंग पॉसिबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग चाहते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्पमेंट को प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए वी हैव टू फॉलो दी फॉलोइंगज नंबर वन मेक मैक्म यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नंबर टू ensure the optimum choices of personal protective equipment by using risk assessment third involve employees in all aspects of personal protective equipment program jab aap tamam employee ko personal protective equipment program ka hissa banayenge to automatically wo log by choice ye cheeze pehnenge पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर फर्दर इट प्रोवाइड्स कम्प्रीहेंसिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स Reinforce the proper use of personal protective equipments and challenge its improper use. अगर इन सब पॉइंट्स को देखा जाए डी ये स्टूडेंट्स तो इन सब का एक कामन मकसद है तो कामन ऑब्जेक्टिव ये है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने से इम्प्लॉय विल फील कम्फर्टेबल इम्प्लॉ विल रिमेन कम्फर्टेबल जोन ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जब कम्फर्टेबल जोन में आपको रखेंगी तो आपकी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली अनहानस हो जाएगी फोक लिफ्ट सेफ्टी पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक्स आपको मालूम है कि देर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रक एंड ऑटोमोबाइल एंड पर्टर फोक लिफ्टर अब इन चीज़ों को हम डिटेल में दिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं फोक लिफ्टर आर डिफरेंट फ्राम कार्स एंड ट्रक्स इन सेवरल वेज इंप्लाईज हुई फोक लिफ्ट शुड अंडरस्टैंड हाउ दे आर डिफरेंट द प्राइमरी डिफरेंस आर एज फॉलोज नंबर वन फोक लिफ्टर आर टिपिकली स्टीअर व्हील रियल कहते हैं पिछले को जो पिछले पे ये हैं उनके ऊपर ज्यादा उसका फोकस होता है और उनकी मदद से फोक लिफ्टर को ऑपरेट किया जाता है एन एम्पटी कैन बी मोर स्टीयर दैन वन विद अ लोड खाली जो फोक लिफ्टर है जिसके ऊपर लोड नहीं है उसको ऑपरेट करना कम्पेरेटिवली डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू फोक लिफ्टर विद लोड्स फोक लिफ्टर आर फ्रीक इन रिवर्स नॉर्मली इनको रिवर्स वे में ऑपरेट चला, करना चलाना ज़्यादा ईजी है फोक लिफ्टर्स हैव थ्री पॉइंट्स सस्पेंशन सो दैट देंटर ऑफ ग्रेविटी कैन मूव फ्राम द रियर ऑफ़ द वहीकल क्लोजर टू द फ्रंट वैन इट इज लोडेड अब टेक्निकली जो पॉइंट है वो तो डेफिनेटली वो जो शख्स उसको ऑपरेट कर रहा है वो बेहतर जानता है लेकिन यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से हेल्थ एंड सेफ्टी के एस्पेक्ट से ये देखना है कि फोक लिफ्टर प्रॉपर्ली मेनटेन्ड है प्रॉपरली ऑपरेटेड है जो शख्स उसको ऑपरेट कर रहा है वो उन चीजों से फैमिलियत है उसके ड्राइविंग के असूलों से फैमिलियत है उस शख्स ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हुए हैं इन चीजों का डी स्टूडेंट्स ख्याल रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल रूल्स द रूल्स इन दिस आर जनरल एंड अप्लाई टू फेज फोक लिफ्ट ऑपरेशन नंबर वन द टाइम्स हमने मुकम्मल वक़्त जितनी देर भी उसको ऑपरेट करना है अपने बाजू अपने हाथ अपनी टांगे उनको फोकलिफ्टर की जो प्रॉपर स्पेस है उसके अंदर रखना है उनको बाहर नहीं जाने देना फेस इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एट ऑल द टाइम जिस सम्मत में आप मूवमेंट कर रहे हैं उसकी तरफ आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए इफ द लोड ब्लॉक्स योर व्यू ड्राइव बैकवर्ड अगर वो लोड की वजह से आपको व्यू सही नजर नहीं आ रहा तो आप बैकवर्ड मूव करें बेटर तो ये है कि आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए अलो प्लेंट्री ऑफ रूम फॉर ब्रेकिंग एटलीस्ट थ्री वहीकल्स लेंथ प्रॉपर फासले के ऊपर ब्रेक लगाए अगर आप लोगों ने आगे मूव करना है तो रीजनेबल फासले से पहले ही आपको ब्रेक लगा लेना चाहिए मेक श्योर देर सफिशियंट ओवर हेड क्लियरिंग बिफोर मूविंग अलोड अब जितने भी पॉइंट ये स्टूडेंट्स में आपसे शेयर कर रहा हूँ इन सब के दो तीन कामन मकासद हैं आप उसको फोकलिफ्टर को ऑपरेट करना जानते हो उसके एस ओ पी से फेमिलियर हों और नंबर थर्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने पहने हुए हैं रूल फॉर पिकिंग अप अ लोड मेक श्योर द लोड इज विद इन कैपेसिटी ऑफ द फोक लिफ्टर फोक लिफ्टर की फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटी है एक टन तो आपका लोड एक टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेक श्योर फोक्स आर पोजिशन प्रॉपरली जहाँ पे उसको खड़ा होना चाहिए उसकी पोजिशन बैलेंस प्रॉपर होनी चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए टेल्ट नहीं होना चाहिए टेढ़ा नहीं होना चाहिए आगे से या पीछे से उसका लेवल डिफरेंट नहीं होना चाहिए इसको हम लोग बोलते हैं पोजिशन प्रॉपरली थर्ड मेक श्योर द लोड इज प्रॉपरली बैलेंस्ड जो फोक लिफ्टर पे लोड है वो मुकम्मल 100% परसेंट बैलेंस होना चाहिए अगर वो लोड इम बलेंस होगा तो सम टाइम इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मेक श्योर द लोड इज सिक्योर ये जितने भी पॉइंट ये स्टूडेंट्स लिखे हैं ये मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं इनको अगर आप लोग रीड कर लेंगे तो ये जो टॉपिक है फोक लिफ्ट सेफ्टी ये मुकम्मल आपका क्लियर हो जाएगा लास्ट वाले जो टू टॉपिक्स हैं उसको देखें रन द फोक्स ऑल द वे इन टू पैलेट एंड टिल्ट द मास्ट बैक ऑफ द स्टेबलाइज द लोड बिफोर मूविंग लास्ट बैकआउट एंड स्टॉप कम्प्लीटली बिफोर लोअरिंग द लोड लोड को लोअर नीचे करने से पहले उसको स्टॉप करें उसके बाद उसको नीचे करें अगर आपका लिफ्टर मूव कर रहा है उसके साथ लोड भी नीचे आ रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है फोक लिफ्टर सेफ्टी पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक्स यहाँ पे आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन का जो स्टैंडर्ड ट्वेंटी नाइन है सी एफ आर टेन पॉइंट वन सेवन एट ये कम्प्लीटली इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि किस तरह से फोक लिफ्टर को ऑपरेट करना है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, वार्निंग्स एंड प्रिकॉशन फॉर दी टाइप्स ऑफ ट्रक दी ऑपरेटर विल बी ऑथोराइज टू ऑपरेट इसमें हम लोग इन चीज़ों को डिटेल में डी स्टूडेंट्स इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रक एंड दटोमोबील ट्रक कंट्रोल एंड इंस्ट्रोमेंटेशन वेय दे आर लोकेटेड वट दे डू एंड हाउ दे वर्क हमें जब इन सब चीज़ों का इलम होगा तो ऑटोमेटिकली हम उस मशीन को प्रॉपर कंट्रोल के साथ ऑपरेट कर सकते हैं इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं डी ये स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपसे शेयर किया कि ये वाला जो स्टैंडर्ड्स है जिसको ऑपरेट कर रहा है डील कर रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशन के के रूल्स मुताबिक उसमें इस चीज को देखा जाता है कि bearings, अब ये वो हैं जिनको ऑपरेट करके आप इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने उन लोगों को जो कि फोर्ड लिफ्टर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं फर्दर इसमें कौन सी चीजें हैं फोक एंड अटैचमेंट अडापटेशन ऑपरेशन एंड यूज लिमिटेशन वहीकल कैपेसिटी, वहीकल स्टेबिलिटी एनी वहीकल इंस्पेक्शन इन सब चीज़ों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वहीकल रिलेटेड तमाम चीज़ें आपकी वेल well इक्यूप्ड होनी चाहिए वहीकल का ऑपरेशन वहीकल के मकानिक्स वहीकल की स्टेबिलिटी वहीकल की कपेसिटी लोडिंग सब चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए और उसके मुताबक ही आप उसको यूज़ करेंगे इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो लास्ट फोर कंटेंट्स है उसको हम देखते हैं नंबर वन रीफ्यूलिंग आर चेंजिंग एंड रीचार्जिंग ऑफ बैटरी रिफ्यूल कब करना है ऐसा ना हो फोक लिफ्टर मूव कर रहा है तो उसका फ्यूल ख़त्म हो जाए या अगर बैटरीज हैं तो बैटरी ख़त्म हो जाए स्टॉप कर दे इससे प्रॉब्लम हो सकती है ऑपरेटिंग लिमिटेशन एनी अदर ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन वार्निंग और प्रिकॉशंस जो टेक्नोलॉजी कई एडवांस कंट्री है अगर वहाँ से फोक लिफ्टर लेते हैं अगर उसमें इफ इज देर समथिंग गोइंग टू हैपन रॉन्ग तो उससे पहले वार्निंग साइन या वार्निंग अलार्म वसूल होते हैं उनको हम लोगों ने फिर उसके मुताबिक देखना होता है वर्क प्लेस रिलेटेड टॉपिक्स इंक्लूडिंग फॉलोइंग दर्फेस कंडीशन वे द्हिकल विल बी ऑपरेटेड अब इन सब चीज़ों का एक काम जो मकसद ये स्टूडेंट्स वो ये है अगर आप 100% परसेंट वहीकल को ऑपरेट करेंगे उसके एस ओ पीज के मुताबिक तो देर विल बी नो प्रॉब्लम टू ऑपरेट द वहीकल इफ यू विल नॉट फॉलो फॉलोजीज Then there will be problem to operate vehicles in your workplace settings.